गाइस वेलकम टू आवर चैनल। और अब मैं आज लखनऊ जा रहा हूँ। मैंने एग्जैक्टली तो नहीं बताया कि मैं कब आऊँगा, उन्हें ये पता है कि आज मैं आऊँगा लेकिन कौन सी ट्रेन से और कब आऊँगा ये घर पे ना बबीता को पता है ना मम्मी पापा को पता है। और अभी मैं गाजियाबाद स्टेशन पर हूँ और शताब्दी से मैं आया, तो मैं तेजस से था जैसा कि आपने देखा होगा, और अब मैं शताब्दी से जा रहा हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह चलती है तो एकदम मस्त 5-6 घंटे में पहुँचा देती है, परफेक्ट। तो अभी आपको बैकग्राउंड में वो ट्रेन की मतलब अनाउंसमेंट्स की भी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं स्टेशन आ गया हूँ, अब से 40 मिनट बाद मेरी ट्रेन है। बस अब ट्रेन का इंतज़ार है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ब्रिज पे खड़ा हूँ कि एक बार अनाउंसमेंट हो तो फिर मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जाऊँ और अपनी ट्रेन को पकड़ूँ। तो मेरे को अभी दीदी जीजाजी छोड़ने आए थे, हमने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया क्योंकि सब सुबह सुबह एकदम उसके बाद छोड़ने ही आ गए थे, तो जब भी आया था पर वो शूट नहीं कर पाया मैं। तो गाइस मैं स्टेशन प्लेटफॉर्म आ गया, मैंने एक्चुअली गूगल किया तो अभी स्टेटस ट्रेन का स्टेटस देख के तो पता लगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आती है, तो मैं आ तो गया हूँ लेकिन मैं अनाउंसमेंट सुनता रहूँगा अगर कोई प्लेटफॉर्म चेंज होता है। वैसे तो VIP प्लेटफॉर्म है तो शायद शताब्दी से आनी चाहिए, पर अगर नहीं आती है तो फिर हम प्लेटफॉर्म सुन के जाएंगे। भी स्टेशन पे भीड़ का वही हाल है। अब हम वेट करते हैं, अब से 20-25 मिनट में हमारी ट्रेन आएगी, फिर हम ट्रेन में बैठ के आपको दिखाते हैं शताब्दी भी। तो मैं ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ से 6-6.25 घंटे का रास्ता है, तो तब तक बस ट्रेन में काटना है सफ़र। और ज़्यादा भीड़ इस बारी हो गया निकलने के लिए, तो यहाँ मतलब निकल चुके हैं, तो देखिए 1 बजे पहुँचता हूँ मैं, देखिए मेरा सरप्राइज़ प्लान पूरा होता है या नहीं होता है। पिछली बार तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, पर इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करके आपको जरूर दिखाऊँ। तो मिलते हैं आपसे, देख सकते हैं हमारे चाय और चाय बिस्किट आ चुके हैं, ये आज हमारा बन रहा है चीला और ये बहुत ज्यादा ही हेल्दी होने वाला है क्योंकि ये बन रहा है लाई से, धान की खील से। अभी वो डब्बा लगता है रख दिया हम लोग, ये देखो ये जिसको नहीं समझेगा ना, धान की खील देखो ऐसी रहती है। तो ये वाला इससे और हरे मटर को पीस के ये बैटर बनाया गया है, उसमें थोड़ा सा बेसन और नॉर्मल अपना हल्दी नमक वही डाला है, काला नमक, चाट मसाला अगर आपको जैसा और कुछ ऐड करना है, और इससे फिर ये चीला बन रहा है एकदम हेल्दी। और पापा हमारे इधर टेस्ट कर रहे हैं कैसा बना है पापा, बहुत अच्छा। और ये देखो ये हमारे टमाटर कोथमीर ये सब की चटनी। तो हम कानपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं, मैं आपको बिल्कुल लखनऊ की तरह ही, ये भी यूपी का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट स्टेशन है और ये हमारी शताब्दी है। तो बस अभी यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुकी है तो उसके बाद यहाँ से निकलेगी और अगला स्टॉप का लखनऊ ही है, तो बस 1 घंटे लखनऊ पहुँच जाएंगे।
कानपुर को चलने के लिए तैयार है ट्रेन, कानपुर से निकलेगी और उसके बाद हम लखनऊ उतरेंगे और फिर आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। हे गाइस, फाइनली हम लखनऊ स्टेशन पहुंचने वाले और थोड़ी सी ट्रेन लेट हो गई 15-20 मिनट, पर ठीक है फाइनली मतलब नियरली टाइम पर ही पहुँचाए हैं। और मैं आपको स्टेशन एंट्री करते हुए दिखाऊंगा, जो हम लोग स्टेशन एंट्री करेंगे बिल्कुल नियरली रीच पॉइंट। अनाउंसमेंट भी इस ट्रेन में होती रहती है, तो अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस, हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, ये हमारी ट्रेन और अब हम जा रहे हैं। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ ऐसे मेट्रो से जाऊँ तो थोड़ा फास्ट हो जाएगी और आधा रास्ता कवर कर लेगी, और वहाँ से उतर के मैं कैब लेके घर चला जाऊँगा। तो थोड़ा आपको लखनऊ मेट्रो भी दिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन बगल में ही है, तो अभी मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ और मेट्रो स्टेशन का टिकट लेके एंट्री करके फिर मैं आपको मेट्रो दिखाऊँगा। हम स्टेशन से बाहर आ गए, सामने ही बिल्कुल स्टेशन, ये स्टेशन और स्टेशन से बाहर निकलते ही मेट्रो स्टेशन है, तो इससे सबसे बेस्ट होता है आपको ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं करना होता, सीधे सामने से मेट्रो पकड़िए। और अगर इंदिरा नगर जाना है तो सबसे परफेक्ट होता है डायरेक्ट मेट्रो पकड़िए और एकदम इंदिरा नगर उतारती है, तो क्योंकि मैं हम थोड़ा दूर रहते हैं तो उसमें हमें वहाँ से कैब लेनी पड़ेगी, पर इंदिरा नगर तक के लिए सबसे परफेक्ट मेट्रो है। तो अब हम मेट्रो की तरफ जा रहे हैं। तो ये है लखनऊ का मेट्रो स्टेशन, वहाँ से एंट्री होती है, ये पुलिस चेकिंग के बाद अंदर की तरफ एंट्री होती है, दो प्लेटफॉर्म, और इधर हम जाके टिकट लेंगे और इंदिरा नगर का टिकट लेंगे, उसके बाद हम आगे यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो ये है, आपको मैं एक छोटा सा लुक दिखाऊं, चारबाग मेट्रो स्टेशन। तो हमने टिकट ले लिया है और अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से करीबन मेरे ख्याल से आधा घंटा लगना चाहिए इंदिरा नगर पहुँचने का, और उसके बाद वहाँ से 15 मिनट घर की जो हमारी कैब होती है वो लेगी, और टोटल मतलब 45 मिनट्स में आई बिलीव हम घर पे होंगे। 2 मिनट में मेट्रो आने वाली, मैं दिखा इस तरीके से डिस्प्ले होता रहता है जैसे बिल्कुल दिल्ली की तरह ही, तो बस अब 2 मिनट में मेट्रो आएगी और उसके बाद हम मेट्रो पकड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये मेट्रो भूटान पहुँच चुके हैं, हमारा अगला स्टॉप ही अंजान लग रहा है जहाँ में उतरना है, बस लखनऊ में मेट्रो में सबसे अच्छा ये होता है कि लखनऊ में भीड़ नहीं होती है, तो इसलिए आराम से चलो, आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है और टाइम भी नहीं लगता है, तो आराम से पहुँच सकते हो। बस अब हम भूटान इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन उतरेंगे, वहाँ से देखो या तो कैब या ऑटो जो मिल जाए वो बुक करके फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे मेट्रो स्टेशन के बाद। ये भी धूप सेक रहे हैं हमारे पिताजी, ये भी धूप सेक रहे हैं। इन्होंने टोपी देखो कौन सी लगाई है, ये कौन सी हिमाचली टोपी है ना, हिमाचली ये टोपी एक इनके पास भी थी और एक हम लोग गए थे शिमला तो लाए थे ना, ये वो नहीं है ना, ये दूसरे इधर ये टोपी लगाते हैं लोग, मुंबई में मैंने कभी नहीं देखा। और ये देखो ये मैंने मफलर बांधा है क्योंकि बहुत हवा लगती है कान में, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है, थोड़ी थोड़ी नहीं। अच्छे से देख लो कुछ है तो नहीं। आज हम लोग बनाने वाले हैं दही फ्राई, सोटे तो हो गया, ये तो आजकल हम लोग रोज ही बना रहे हैं, और ये हमारा नई न्यू दही का स्टॉक है जो अभी अभी फ्रेश रेडी हुआ है, और ये कल का, ये सब पूरा 1.5 लोटे के आसपास इसको हम पूरा यूज करेंगे। और खांसी लगातार आती जा रही है, पापा रिवाइज कराते रहते हैं तो कि कुछ भूले तो नहीं, कुछ भूल तो नहीं गए।
अब हम जो दही फ्राई करने वाले हैं उसके लिए लेंगे हम अपना नॉनस्टिक पैन और ये दही मथने की तैयारी। अब हम लोग दही फेंट रहे हैं। ये देखो, ये तो सूखी मिर्ची और हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अब हमने दही डाला है और कंटिन्यू चलाना है। एक्चुअली अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ भी हो तो दही फट जाएगी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो रहता है, इसलिए इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डाल दिया है और अब इसको हम कंटिन्यू चला रहे हैं। बस एक दो बॉईल आ जाए फिर हम इसको बंद कर देंगे।